बिलासपुर की जहां सिम्स मेडिकल अस्पताल में लापरवाही के कारण एक महिला की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन पाइपलाइन में सप्लाई बंद होने के कारण महिला की मौत हुई है, जबकि इससे कई मरीजों की जान खतरे में पड़ गई है। सिम्स प्रबंधन ने अपनी गलती पर पर्दा डालने के लिए 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन कर दिया है, जबकि सिम्स की डॉक्टर आरती पांडे के मुताबिक ऑक्सीजन सप्लाई बंद होने से महिला की मौत नहीं हुई है। मौत की असली वजह जांच के बाद सामने आएगी। हालांकि प्लांट कर्मी की लापरवाही जरूर सामने आई है, जिसकी बारीकी से जांच शुरू हो गई है। एक समिति गठित की, क्योंकि एक थोड़ा सा लापरवाही उजागर करती है कि आपको ऐसी संवेदनशील जगह पे तत्काल आपको हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, तो उसके ऊपर उन्होंने समिति गठित की है। लेकिन हमारे यहाँ पे कोई और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में संवाददाता शैलेंद्र पाठक जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, किस वजह से महिला की मौत हुई थी, क्या जांच के बाद अभी तक साफ हो पाया है? क्या ये महिला की मौत जो फौरी तौर पर जो जानकारी मिली है उसमें जो गैस की सप्लाई है, ऑक्सीजन की सप्लाई, उसकी वजह से हुई है। और इसमें सिम्स प्रबंधन अब ये कह रहा है कि उसकी अब मौत नहीं है, लेकिन जब मौत नहीं हुई तो फिर जांच कैसे हुई है? और मौत को लेकर के अभी जांच कमेटी बनाई गई। अब वो जांच कमेटी तय करेगी कि मौत जो हुई है वो किस कारण से हुई, ऑक्सीजन के कारण से हुई है कि नहीं। जबकि प्रबंधन इस बात को स्वयं स्वीकार कर रहा है कि जो वहां पर रहने वाला जो उनका कर्मचारी है उसने देर से दरवाजा खुला, उसकी बुलाया गया, तो उसकी तमाम चीजें जब काला पीला जो है वो स्वयं प्रबंधन बता रहा है कि वहाँ की गड़बड़ी हुई है किसी भी तरह से। लेकिन अब इस मामले में जो मौत उसी वजह से हुई है इसको लेकर कमेटी बना दी है। प्रबंधन ने कम से कम इस बात को रखने की कोशिश की है अपने तरफ से कि वो जो प्रबंधन ने साफ तौर पर दिखाने की कोशिश की है कि जो मौत हुई है उसकी वजह क्या है, इसके लिए एक डॉक्टर कमेटी बना दी गई है, वो जांच करेगी और तय करेगी। लेकिन ये बड़ी लापरवाही है, अगर इस तरीके से हुआ है तो गंभीर लापरवाही है। बहुत बड़ा स्टाफ है, मेडिकल कॉलेज है, संभाग का सबसे बड़ा, रहते में यहाँ लापरवाही हुई है तो बड़ा गंभीर विषय है। उसको लेकर के एक मॉनिटरिंग होनी चाहिए, वो सतत जो वो नहीं है, जिसकी वजह से एक लापरवाही सामने आई है। अब इसमें जांच कमेटी की रिपोर्ट। शैलेंद्र, जिस वार्ड में ऑक्सीजन सप्लाई होता है लगभग कितने पेशेंट होंगे उस वार्ड में उस वक्त? अब ये पेशेंट उसमें 15 से 20 पेशेंट वहाँ पर थे वहाँ पर, और ये क्योंकि इनका ये प्रबंधन का ये कहना है कि जल्दी जानकारी मिल गई तो उसको संभाल लिया गया और वो कर्मचारियों को देख करके उसको। शैलेंद्र, क्या इससे पहले भी इस तरह का या किसी और तरह की कोई लापरवाही सामने आई है हॉस्पिटल से? लापरवाही तो कई तरीके से जो प्रबंधन है वहाँ देखने को मिलते रहते, कई बार वार्ड बॉय नहीं मिलता, कई बार मरीजों को स्पेशल नहीं मिलता है, और कई बार जो समय पर वार्ड बॉय है या नर्स है वो मौजूद नहीं हो पाते, डॉक्टरों की देरी का एक वजह है। तो ये तमाम तरीके की चीजें जो दवाओं की सुविधा है वो लगातार देखने को मिलते रहती है। लेकिन अभी जो चीजें सामने आई है इसमें भी कोई एक लापरवाही का नतीजा है, और इतना बड़ा प्रबंधन है लेकिन मॉनिटरिंग के लिए कोई भी व्यक्ति नहीं है कि जो इन सब चीजों को देख सके, क्योंकि मामला गंभीर होता है। ज्यादातर मरीज गांव के होते हैं, अशिक्षित होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते जी। तो ऐसे में वो उनके लिए बड़ा बोलना और बताना उसी का शैलेंद्र फायदा उठाया जाता है, क्योंकि जो मरीज होते हैं या फिर उनके परिजन होते हैं उनको इतनी जानकारी नहीं होती है। हमारे साथ में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। बरसात के आस में दुखी हो रहे किसानों ने अब भगवान शिव को पानी